गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारा सब्जेक्ट है एसएस और उसमें हमारा चैप्टर 6 यूनिट 2 का चैप्टर 6 जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, अब हमें करनी है उसकी एक्सरसाइज। का सभी बच्चे एसएस की बुक निकालें और बुक में है पेज नंबर 33। सभी बच्चे अपने बुक में पेज नंबर 33 निकालें, उसमें हमारी एक्सरसाइज निकाल लिया। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें है फर्स्ट मेन बनाना है। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिए ना, वैसे ही आपको इसमें से फाइंड आउट
मैथ्स। इसमें क्या दिया है कि हम सभी बच्चों को एक दिन ऐसे ऐसे ही एक दिन में ऐसे ड्रेस पहन के आना है, कोई ट्रेडिशनल पहन के आता है, कोई पंजाबी पहन के आती है, गुजराती पहन के आता है, और हम सब लोगों को देखना है। अगर हम पहनेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ड्रेस इस ईयर में कैसे लगते है, वो हमें ऐसे ही करना था। थर्ड नंबर प्रोजेक्ट वर्क, वर्किंग ग्रुप, ईच ग्रुप कैन टेक अप टू स्टेप्स, ड्रॉ और कट आउट पैटर्न्स ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ द स्टेट्स, स्टिक देम ऑन अ थिक चार्ट पेपर, पेस्ट रियल पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑन द ड्रेसेस एंड सीक्वेंस फॉर ज्वेलरी, मेक द ड्रेसेस कम अलाइव बाय अकॉर्डिंग सॉरी एडिंग फेस एंड एक्सेट्रा। अभी क्या करना है, हम सब लोगों को ग्रुप में करना है, लेकिन अब तो हम ग्रुप में नहीं कर सकते ना, तो सभी बच्चों को अपने घर पे करना है। क्या करना है, एक ड्रॉ एक पेज लेना है और उसमें हमें क्या करना है, कोई भी एक इंडियन ड्रेसेस का आपको ड्रॉ करना है, फिर उसको कट आउट करना है, फिर उसको चार्ट पेपर पे आपको लगाना है गम गम से, और उसके बाद क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग जो आपने ड्रेस बनाया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वेलरी है और वे सब लोग वो चीज होते हैं ना, वो भी आपको ड्रॉ करके उसको चिपकानी है, और उसके अकॉर्डिंग आप हैं और फेसेस का भी आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, और आपको गम और आप कट आउट करके गम के साथ चिपका भी सकते हैं। ये आपका होमवर्क, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, और आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।